बहुत खूबसूरत फूलों से सजाया गया पूरे मंदिर को, और ये लाल कालीन यहाँ पर बिछाई गई है जिसे आप देख रहे हैं, और यहाँ से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर जाएंगे। जो सनातन धर्म की, जो हिंदू की पहचान कराई है, वो पहले प्रधानमंत्री है। पहले हम तो बरसों से मंदिर बना रहे हैं, लेकिन जब जब से मोदी साहब आया है तब से लोगों को ये मालूम है हिंदू धर्म कितना बड़ा है। अबू धाबी में मंदिर बनना मुश्किल था, लेकिन ये मोदी साहब थे तो वो संभव हुआ। आपने से किस किस को लगता है मोदी है तो मुमकिन है? 50 डिग्री गर्मी में ये लोग मंदिर बनाए हैं, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं अयोध्या के मंदिर और यहाँ का मंदिर, कंपैरिजन है ही नहीं। एक तो दोनों मंदिर में कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, रेगिस्तान में खड़े होकर मंदिर बनाना क्या होता है, मजदूरों से पूछिए। 3 साल 50 डिग्री की गर्मी में लू चल रही है, आंधी चल रही है, यहाँ पर रेतीला तूफान आ रहा है, और उसमें एकमात्र पंखा है इनकी गर्मी मिटाने के, तो पंखा भी सोचता होगा मैं क्या ही करूँ भाई, मैं नहीं बचा सकता। अब हम BAPS मंदिर के उस हिस्से में हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं उन श्रमिकों से, उन मजदूरों से जिन्होंने इस भव्य मंदिर को बनाने में योगदान दिया, और ये सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आप लोग एक बार जय श्री राम बोलिए, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा योगदान दिया। एक साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो बहुत सारे लोग, अच्छा ये बताइए, आप लोग सब इसमें लगे हुए थे मंदिर बनाने में? हाँ जी सब जी, लगे हुए थे। ये कहाँ से हैं आप लोग? राजस्थान। राजस्थान, सब लोग राजस्थान से हैं। अरे भैया, और इधर भी हैं कुछ लोग, आप लोग कहाँ से? गुजरात से। और कहाँ से? तमिलनाडु से भी मजदूर आए हुए थे। और कहाँ से हैं? कहाँ से? सिरोही रोड, राजस्थान। सिरोही रोड, पिंडवाड़ा जिला, बांसवा जिला। और कहाँ से? उड़ीसा। अयोध्या से। देखिए अयोध्या वाले भाई भी, उनको दिखाइए हरी टी शर्ट में, हरी शर्ट में। अयोध्या से भी लोग आए मंदिर बनाए। आप? उड़ीसा। उड़ीसा से। राजस्थान। 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 आप देखिए इस मंदिर में जो मैसेज है हार्मनी का, वो इन श्रमिकों में भी दिखता है। कोई राजस्थान से है, कोई उड़ीसा से है, कोई जो है वो यूपी से है, कोई गुजरात से है। तो ये कमाल की बात है। मुझे ये बताइए, आप लोग पहले ये बताइए कि ये मंदिर बनाने में कितना टाइम लगा आप लोगों को, और कितना मुश्किल होता था ये इतनी तपती गर्मी में काम करना? यहाँ पर 3 साल के करीब लगा होता। 3 साल? हाँ जी। गर्मी कैसी रहती थी? गर्मी बहुत पड़ती है, बिकट बिकट बिकट। तो आप लोग उस विकट गर्मी से कैसे लड़े? पंखा चलाते थे, टेंट टांगते थे। हाँ। इसलिए पंखे से जाने वाली गर्मी नहीं है ये? पंखे से जाती थी? नहीं। तो बताइए 45-50 डिग्री तो यहाँ कॉमन है भाई, 50 डिग्री गर्मी में ये लोग मंदिर बनाए हैं। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं अयोध्या के मंदिर और यहाँ का मंदिर, कंपैरिजन है ही नहीं। एक तो दोनों मंदिर में कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, रेगिस्तान में खड़े होकर मंदिर बनाना क्या होता है, इन मजदूरों से पूछिए। 3 साल 50 डिग्री की गर्मी में लू चल रही है, आंधी चल रही है, यहाँ पर रेतीला तूफान आ रहा है, और उसमें एकमात्र पंखा है इनकी गर्मी मिटाने के लिए, तो वो पंखा भी सोचता होगा मैं क्या ही करूं भाई, मैं नहीं बचा सकता, वो वाला हिसाब रहता होगा। और बताइए क्या क्या अनुभव रहा, कुछ क्या क्या दिक्कत आई थोड़ा बताइए, कैसा अनुभव रहा? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, काम किया था, कुछ बढ़िया काम किया था, बढ़िया काम। घर वालों को पता था आप लोग ये मंदिर बना रहे हैं? घर वाले को सबको मालूम। घर वाले क्या बोलते? बस घर वाले वहाँ जाओ, भगवान के मंदिर बनाओ, सेवा करो। अच्छा आप लोगों को, देखिए हम लोग क्या, हम लोग तो बाहर से आए और देखा, हमने एक दिन देखा कि ऐसा मंदिर बन गया। आप लोग तो इसको ऐसे जैसे बच्चा बड़ा करते ना, आप लोग ऐसे माँ बाप टाइप है, बच्चा आपको बड़ा होता हुआ देखा, हम तो बच्चे की सक्सेस देख रहे हैं। तो आप लोगों के अंदर भाव क्या है जब आज ये मंदिर बड़ा हुआ बना हुआ देखते हैं, कैसा भाव है सर? गिरीश भाई क्या सोच रहे? गिरीश भाई कुछ नहीं सोच रहा हूँ, क्या सोचता हूँ? अच्छा लगा। आपको कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा। जैसा जितनी मेहनत की थी उतना सुंदर निकल कर आया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। अलौकिक, अलौकिक, अलौकिक। आप क्या काम देख रहे थे यहाँ पे सर? मैं कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेशन में था, 5 साल से यहाँ था। ये कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेशन वाले सर आप लोग का ध्यान ठीक से रखे कि नहीं बताइए जरा, सब पकड़े गए अभी। नहीं नहीं, पानी पीने का व्यवस्था सब वो वही रखते थे हमारे ध्यान। हाँ, कमलेश भाई ध्यान नहीं रखेंगे तो इतना सुंदर मंदिर बनी नहीं सकता। वो प्रभु का काम कर रहे हैं और अन्याय करेंगे तो प्रभु कभी आशीर्वाद देंगे, हो ही नहीं सकता। तो ये खासियत है यहाँ पर, आप देखिए। अच्छा, प्रोजेक्ट लीड कर सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय परीख है। आप कहाँ से हैं परीख सर? मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद से हूँ। इस मंदिर को हम लोग आज बना हुआ देख रहे हैं, आप लोग अगर बताएं कि इस मंदिर को बनाने की कहानी क्या है, कैसे कैसे शुरू हुआ, कैसे दिक्कतें आई, ये रेगिस्तान में बनाना कितना मुश्किल था? जब भी हमको ये प्रोजेक्ट का असाइनमेंट मिला, जैसे ये हिंदू मंदिर बनाने का था, तो वो हिंदू मंदिर के लिए जब भी बोला था तो हमारी पूरी टीम थी, वो टीम ने पूरा इंडिया में जितने जितने भी अच्छे मंदिर थे वहाँ
सब जगह पे हमने विजिट किया, जैसे कि कोणार्क में गए, जगन्नाथपुरी में गए, अच्छा। बाद में दिलवाड़ा टेम्पल में गए, रानकपुर टेम्पल में गए, और काफी अच्छी जगह पे जहां से, क्योंकि हमको ये पूरा ट्रू हिंदू मंदिर बनाना था, तो जब इसका ऐसा डिजाइन करना था कि जैसे कि इसकी सब जगह के फ्लेवर मिले, आपको नॉर्थ के भी फ्लेवर मिले, ईस्ट के भी फ्लेवर मिले, वेस्ट के भी फ्लेवर मिले, सेंट्रल के भी फ्लेवर मिले, वो सब ऐसी तरह से करके अपनी टीम में, ये अपने विपुल भाई है, वो चीफ अपने आर्किटेक्ट है, आप भी आसाद भाई है, तो ये विपुल भाई के साथ में हमने और अपनी पूरी टीम थी वो सब ने हमने डिजाइन किया, और ये जो चीफ अपने डिजाइनर है विपुल भाई सोमपुरा है, उनको हमने उनकी विपुल भाई क्या ही आपने डिजाइन कर दिया, मतलब आदमी आता है ना तो ऐसे तो पहले देखता रह जाता है मुंह खोल के कि क्या बना दिया है बॉस। ये प्योर भारतीय स्थापत्य कला की एक आकर्षकता है जो अपने सालों से, अपने सदियों से अपने देश में हो रही है, उसी की प्रतिकृति है। यहाँ कहीं कोई भी आर्ट मिक्स नहीं हुआ, इस वजह से इतना स्वीट और सुंदर लग रहा है। अच्छा, ये जो नक्काशी की गई भाई विपुल भाई, ये जो नक्काशी की गई, ये यहीं पर हुई है या वहाँ से करके आप लोग मंगाए फिर यहाँ लगाए? नहीं, इसका पूरा ड्रॉइंग्स और वो सारा हमारे प्लानिंग सेल डिवीजन है उसमें हुआ है, और प्लस हमारे ऑफिस में, वहाँ से फिर कार्विंग राजस्थान में, और इटली से भी पत्थर राजस्थान आया, राजस्थान से फिर यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ सिर्फ इंस्टॉलेशन हुआ है। सिर्फ इंस्टॉलेशन? सिर्फ। तो आप लोगों का तो दिल धड़कता होगा कि वहाँ से ला रहे हैं बना के, और रास्ते में मान लीजिए टूट गया, कुछ हो गया, तो खत्म मेहनत फिर? हाँ, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ भी था। एक कंटेनर था अपना, वो कंटेनर आते आते ही वहाँ गिर गया था, और वो बहुत ही क्रिटिकल था, क्योंकि जो आप हमने जो फ्रंट में जो डोम है, जिसको हम डोम ऑफ हार्मनी बोलते हैं, उसके कुछ मूर्तियां टूट गई थी, तो उसके हिसाब से अपना पूरा प्रोजेक्ट वो डिले होने का था। लेकिन अपने साथ में ये जो सब जो आप देखते हैं, ये सब जो अपने साथ में जो भाइयों थे वहाँ जहाँ, तो उन लोगों ने बहुत तेजी से वो सब कारीगर रिपीटेडली वापस कार्विंग करे, जो कि काम बहुत मुश्किल से, बहुत समय लेने वाला था, वो बहुत शॉर्ट टाइम में करके, दिन रात करके, क्योंकि उनको पता था कि हमको ये अचीव करना है। अब आप सोचिए, ये मंदिर की अनसुनी कहानी है कि कैसी मुश्किलात आई, ये सारा आप नक्काशी का जो काम देख रहे हैं, ये सारा भारत में राजस्थान में हुआ है, उसको लेकर यहाँ लाकर असेंबल किया गया है, और उस असेंबल करने में एक बॉक्स जो है वो एक तरह से टूट गया, वो सारी नक्काशी टूट गई, और उसके बाद ये लोग जो है वो लेकर आए, वहां पर बोला कि भाई फिर से बनाना पड़ेगा, लेकिन किसी ने जो है वो उफ नहीं की और फिर से पूरा बना और फिर से यहां पर लेकर आए। ये बताइए, पीछे जो लोग बैठे, ये लोगों का भी कुछ योगदान है इसमें? आप लोग कहां से सर? मैं इंडिया जमशेदपुर झारखंड से हूं, मैं यहां सर्विस करता हूं। बहुत बढ़िया, लास्ट 3 ईयर से यहां पे हूं। मैं अपना तहे दिल से नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपना लाइफ का जो लाइफ है ना, मैं नरेंद्र मोदी साहब को ऑफर करना चाहता हूं। मेरे पास जो भी लाइफ बची है मैं उनको स्वेच्छा से देना चाहता हूं। वो इतना ज्यादा काम इंडिया के लिए किए हैं, रियली हम लोग इतना प्राउड फील कर रहे हैं बाहर कंट्री में आकर भी। रियली मैं नरेंद्र मोदी को तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूं। देखिए, हर कोई नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहा है। अच्छा, मुझे एक बात आप लोग और बताइए, ये मंदिर तो आप लोग एकदम जबर बना दिए हैं, जहां हर जगह चर्चा है, लेकिन आप लोगों में आज ये भाव भी है कि आप लोग नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं? या, बहुत उत्सुक है, बहुत उत्सुक है। नरेंद्र मोदी खुद यहाँ आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे? अच्छा, वो जहाँ जाते हैं सब जगह जिन्होंने मेहनत की, श्रमिक ने बनाया, सबसे मिलते हैं? मिलते हैं। बनारस में भी मिला है, सब जगह पे मिलते हैं कारीगर को, सब अयोध्या में भी मिले। कैसा लग रहा है मोदी जी से मिलने? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बड़ी चीज क्या है, ये मंदिर बनाने का भाव तो है ही है, उसको अलग कर देता हूँ। मंदिर बनाने में आपने काम किया, आपको पैसा भी मिला होगा, लेकिन असली वसूली तो आज हम मोदी जी से मिलने मिल रहा है। नरेंद्र मोदी से आप लोग क्या कहेंगे बताइए? ये बोलेंगे कि ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध होगा। आप क्या कहेंगे? अयोध्या वाले भैया क्या कहेंगे मोदी जी से बताइए? आप तो अयोध्या में भी मोदी जी मंदिर बनवा दिए। अयोध्या में मंदिर बन गया सर, यहाँ भी बोला कि सब बढ़िया होना चाहिए। हाँ, बढ़िया है। आप लोगों को लगता है मोदी जी ना होते तो ये मंदिर बन पाता? जो सनातन धर्म के जो हिंदू की पहचान कराई है वो पहले प्रधानमंत्री है। पहले प्रधानमंत्री हम तो बरसों से मंदिर बना रहे हैं, लेकिन जब से मोदी साहब आया है तब से लोगों को ये मालूम है हिंदुस्तान कितना बड़ा है। अबू धाबी में मंदिर बनना मुश्किल था, लेकिन ये मोदी साहब थे तो वो मुश्किल संभव हुआ। आप में से किस किस को लगता है मोदी है तो मुमकिन है? मोदी है तो मुमकिन है। तो ये भाव है लोगों का, यहाँ सब लोग ओत प्रोत हैं भावनाओं से। मैं आपको इस तरफ भी लेके चलता हूँ, यहाँ महिलाएं हैं जिनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। वो महिलाएं क्या कह रही हैं? हाँ, महिलाएं क्या कह रही हैं आपको वो भी दिखाता हूँ।
इस हिस्से में। और ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ बनाया गया है, ये पूरा वाराणसी घाट यहाँ पर बनाने का प्रयास हुआ है। और यहाँ जो महिलाएं हैं उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ, ये वो महिलाएं हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, ये वो बच्चियां हैं जिनको मैं आपको दिखाऊं। इन्होंने यहाँ पर पत्थरों पर ये देखिए ये मैसेजेस लिखे हुए हैं, बिलीव ऑलवेज, हमेशा विश्वास रखिए, स्टे हम्बल, हमेशा जो है हम्बल बने रहिए, ये देखिए, इन यूनिटी वी फाइंड स्ट्रेंथ, यानी एकता में ही पूरी ताकत है, डू द बेस्ट लीव द रेस्ट, ये तो नरेंद्र मोदी वाला काम लग रहा है मुझे, डू द बेस्ट लीव द रेस्ट। आप लोगों ने बनाया ये, आप लोग हिंदी बोलते हैं सारे लोग, तो ये बनाने में ज्यादा मजा आया कि आज मोदी जी से मिलने में ज्यादा मजा आएगा? बनाने में, दोनों में। क्या मैसेज है ये, आप लोग क्यों ऐसा पत्थर में मैसेज लिखे, क्या सोच के लिखे? टू मोटिवेट पीपल, इंस्पायर पीपल। तो यहाँ जो आएगा आप लोग उसको एक ये गिफ्ट करने वाले हैं। Yes. मुझे कौन सा देंगे बताइए, मुझे तो दिया नहीं आपने। खैर कोई बात नहीं, ये बताइए मोदी जी के लिए कौन सा रखें, सोचे या वो जो ले लें? No, there is for मोदी जी। हाँ, we have kept inside our store. अलग से रखा हुआ। Once he will be arrive, we will give to him. उसमें क्या मैसेज लिखा नहीं बताइएगा? So okay, we will show you. दिखाइए जरा। ये देखिए नरेंद्र मोदी जी को ये बच्चे जो स्टोन गिफ्ट करने वाले हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहली बार आप देखिए टीवी पर क्या मोदी जी को मिलने जा रहा है। ये देखिए ये वो तोहफा है जो ये बच्चे नरेंद्र मोदी को देने वाले हैं। ये देखिए इसमें लिखा है कलर्स ऑफ हार्मनी, और मंदिर है और उसमें भारतीय तिरंगे का जो रंग है वो भी नजर आ रहा है, और अमीरात का, हाँ इधर यूएई के फ्लैग का कलर है और इधर अपना भारतीय जो तिरंगा है उसका कलर है। और क्या है जरा दूसरा भी दिखाइए, ये नरेंद्र मोदी के लिए इन बच्चों ने बनाया, ये आप देख रहे हैं, ये एक है और एक और है। ये देखिए कमल पर ये मंदिर बना हुआ है, लोटस पर ये मंदिर, ये भी लोटस इन द डेजर्ट, इसमें साइड में मैसेज लिखा है लोटस इन द डेजर्ट, ये भी ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने वाले हैं। तो ये दोनों जो प्रधानमंत्री को जाने वाला वो हमने आपको पहले दिखाया है, फिर गुलाब का फूल भी रखा है उनके लिए, कुछ मैसेज वैसेज भी अगर वो लिखना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं। ब्लैंक स्टोन्स का क्या मतलब है? ब्लैंक स्टोन इसलिए है कि ये मोदी जी हमारे बच्चों को जो भी मैसेज देना चाहे वो लिख सकते हैं। अच्छा। सो इसके लिए हमने तो ये बच्चों रखा। ने तो मोदी जी के लिए बनाया ही है, मोदी जी बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं उसके लिए तीन पत्थर यहाँ पे रखे गए हैं, पेन है, और मोदी जी बच्चों को क्या लिखेंगे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब आपको मैं मिलाता हूँ, यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज नरेंद्र मोदी से मिलने वाली हैं। पहले ये बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से हैं सब लोग? बड़ौदा, मुंबई, दुबई, मुंबई। और अच्छा ऐसा करके बता दीजिए कितने लोग गुजरात से हैं? सभी, हम सब गुजरात से, हम नेटिव सब गुजरात के हैं। गुजरात से ये बताइए मंदिर देख के आप लोगों का भाव क्या है अंदर? हम सब यहाँ पर आप जितने भी देख रहे हैं हम सब वॉलंटियर्स हैं, और हम सब वॉलंटियर्स का ये एक ड्रीम कम ट्रू है, हमारे सबके लिए एक सपना जो है हमारा वो सच हो रहा है। और आज गुरुवारी महंत स्वामी महाराज के द्वारा मूर्ति प्रतिष्ठा हुई है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लोकार्पण होगा, तो पूरी दुनिया इसके ऊपर अपनी नजर गड़ाए बैठी है। और हम लोग को इस चीज को पूरा देखने में फाउंडेशन से लेकर फ्लैग्स तक देखने के लिए यहाँ पे आप जितने देख रहे हैं वो सब उसका पार्ट रहे हैं। तो हमारे लिए इस मंदिर के साथ साथ हमारी भी खुद की एक बहुत ही ग्रोथ वाली जर्नी रही है, एंड वी आर टोटली ग्रेटफुल टू हैव सच एन अपॉर्चुनिटी। आप लोगों की भी स्टोरी है, चूंकि आप लोग यहाँ पर इसका हिस्सा रहे, आप लोगों को जैसे उधर जो मजदूर भाई लोग हैं वो लोग बता रहे 40-45 डिग्री में 50 डिग्री की गर्मी में काम करना आसान नहीं था, आप लोगों के लिए क्या स्टोरीज हैं जो आप लोगों को बताना चाहिए? आप अगर देखना जाए तो ये मंदिर हमने कॉन्ट्रेक्टर को दिया था, फिर भी बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी सेवाएं थी जब हम कर रहे थे, तो हमें लगता था कि क्या हम ये हो पाएगा, क्या ये मंदिर खुल जाएगा 14 फरवरी को, विल बी be really able to make it। इतनी सारी सेवाएं थी, इतना सारा काम था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे देवताएं आकर ये मंदिर की सब सेवाएं, हम देख रहे हैं कि ये मंदिर जो आज हमने देख रहे हैं हमारे सामने हो रहा है, बहुत कम समय में सब वॉलेंटियर्स ने अपनी जी जान से सेवा करके ये खड़ा किया है। बहुत बढ़िया। आप रात दिन जाग के ये लोग से करे, सुबह भी आके नहा के पूजा करके इधर आ गए बच्चे लोग भी हमारे, तो कोई खुशी इतना है हम लोगों को कि ये इतना मंदिर का रात दिन सेवा सेवा सेवा, इतना महीने से बच्चे लोग सोए खाए पिए कुछ नहीं पड़े, और मेरा लड़का तो एक संत बना है इसमें, इधर का है और संत बना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे? मोदी जी को देखने आई है, मंदिर देखने आई है, दोनों देखने आई है? दोनों। मोदी जी मिलेंगे, अभी आएंगे इधर, पता है आपको? क्या बोलिएगा मोदी जी से?
कितने लोग एक्साइटेड है मोदी जी को मिलने को लेके? मेरे पांव तो मोच आ गई है, फिर भी मैं मोदी साहब को मिलने को आई। पैर में मोच है लेकिन मोदी साहब को मिलने का है बस आज। तो इनका बहुत बड़ा योगदान, योगी जी का भी है, मोदी जी का भी है। मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। उन्होंने जो यहाँ के शेख के द्वारा, लीडर्स के द्वारा जो हमें जमीन दिलवाई, तभी यह सपना साकार हो पाया है हमारा। और देखिए, हम मैं देख रहा हूँ पीछे कुछ मुस्लिम बहनें भी हैं, वो भी बैठी हुई हैं। तो जिस हारमनी का जिक्र हो रहा है वो यहाँ नजर आता है। तो ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में इस मंदिर में पहुंचने वाले हैं। और एक बार जरा इस काशी घाट, या जिसे बनारस घाट का नाम दिया गया है, यहां से आप इस मंदिर को देखिए। आप इस मंदिर को देखते रह जाएंगे, इतना सुंदर, इतना भव्य और दिव्य मंदिर बना है ये। और आपको बीएपीएस संस्था की भी तारीफ करनी होगी कि जो उन्होंने और उनके वॉलंटियर्स ने, आप देखिए उनका कोई ऐसा, अभी हमने नव भारत पर आपको दिखा दिया, टाइम्स नाउ पे दिखा दिया, तो आपको पता चल गया ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं।